कामागेट स्थित लाला वाले तालाब में 40 वर्षीय व्यक्ति की डूबने से मौत, शव का कराया अस्पताल में पोस्टमार्टम। डींग कस्बे के लाला वाले तालाब पर कल शाम देर रात्रि करीब 9 बजे एक व्यक्ति की पानी में डूबने से मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि वह रिक्शा चलाया करता था और अक्सर घर पर आने के बाद वह प्रतिदिन तालाब में नहाने के लिए चला जाता था। कल शाम देर रात्रि वह तालाब में नहाने तो गया लेकिन वापस नहीं आया। परिवार जनों ने उसे काफी तलाश किया लेकिन उसका पता कहीं भी नहीं लगा। फिर परिवार जनों ने करीबन रात्रि 2 बजे तक उसे तालाब में भी सर्च किया लेकिन उसका तालाब में भी पता नहीं लगा। सुबह परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर करीब 4 घंटे की रेस्क्यू के बाद मृतक के शव को भारी मशक्कत के बाद पानी से बाहर निकाला और उसे अस्पताल लेकर आए। यहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के शव का विक्रय के राजकीय रेफलर चिकित्सालय में मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। परिवार जनों ने कराई है डींग थाने में मृग दर्ज। पुलिस जुटी हुई है मामले की जांच में। अच्छा, क्या मामला हुआ पूरा बताएं। 9:30 बजे वो कुंडे में कूद गया था। अच्छा, उसके बाद वो बीच में तैरा था आराम से, उसके बाद में निकल के 2-3 बार ऊपर आया था, उसके बाद में नहीं आया। क्या नाम है इनका जो है? मोहन। अच्छा, तो ग्रह कलेश या कैसे? नहीं नहीं वैसे ही राजी खुशी थी। अच्छा, आज सुबह सूचना मिली कि लाला वाले कुंडा में कोई रात को आदमी डूब कर मर गया। और सूचना पर मौके पर मन ये सही मैं जापता मैं थाने का जापता वहाँ पहुँचा और गोताखोरों की मदद से एक व्यक्ति को निकाला जिसका नाम था मोहन सुनो मदनलाल जाति ठाकुर निवासी लाला वाला कुंडा के सामने थी। जिसका डी सी एस में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है जिसका डी सी एस में पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सुपुर्द किया और जाँच कराई जाएगी मृत्यु के कारण। क्या कुछ मामला लगता है इसका? घर के बता रहे थे कि शाम को डेली तैरता है वो पानी।